44, मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देसिया। कोई श्रमिक काम से वंचित नहीं रहे, सबको रोजगार मिले, ऐसा करे प्रयास करने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। परेशानियों के मद्देनजर कॉल सेंटर सह परामर्श केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 7542081193 पर संपर्क कर सकते हैं श्रमिक। खबर बिहार की बेतिया से है, जहां पर कोविड-19 संक्रमण में अप्रत्याशित बढ़ोतरी एवं अन्य राज्यों में लॉकडाउन किए जाने की संभावना के कारण विभिन्न राज्यों में जीविकोपार्जन हेतु कार्य कर रहे पश्चिम चंपारण जिले के श्रमिक वापस आ रहे हैं। ऐसे श्रमिकों तथा इस जिले के श्रमिकों के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा ऐसे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयास करना है ताकि कोई भी श्रमिक काम से वंचित नहीं रहे, सबको रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तत्परता पूर्वक कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, साथ ही कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक समय दिलाना सुरक्षित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सभी कार्यालय प्रधान अध्ययन प्रतिवेदन समर्पित करें, जिसमें ये प्रतिवेदित हो कि उनके माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं में कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। समीक्षा के क्रम में बताया गया है कि वर्तमान लॉकडाउन के दौरान जिले में वापस लौटे 500 से अधिक श्रमिकों को चनपटिया स्टार्टअप जोन में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सभी श्रमिक द्वारा प्रसन्नता जाहिर की गई है तथा सरकार एवं जिला प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया गया है। श्रमिकों की समस्या के निराकरण हेतु जिला स्तर पर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय बेतिया में कॉल सेंटर सह परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 7542081193। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। Thank you.